गोला थाना क्षेत्र के नरहन गांव में प्रेम प्रसंग में रविवार रात एक युवक ने शादीशुदा महिला की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी चाकू लेकर महिला के शव के पास ही बैठा रहा। मृतका की उम्र 29 वर्ष थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने आरोपित को हिरासत में ले लिया है और उसके पास से चाकू बरामद कर लिया है। पुलिस का कहना है कि महिला के पति द्वारा तहरीर मिलते ही आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार रविवार की रात 9 बजे महिला घर में खाना बना रही थी। उसका पति किसी काम से गोरखपुर गया था। घर पर उसका एक रिश्तेदार मौजूद था। इसी दौरान उसके गांव का ही आदर्श पासवान महिला के घर में घुस गया और उससे विवाद करने लगा। बात बढ़ने पर उसने महिला के सीने व गले पर कई जगह चाकू घोंप दिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक हत्या के बाद आरोपित आदर्श मृतका के पास बैठा रहा। सूचना मिलते ही सीओ गोला अंजनी कुमार पांडे व गोला पुलिस भी मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी दिनेश कुमार पी ने कहा। गोला क्षेत्र के गांव में एक शादीशुदा महिला को उसके प्रेमी ने चाकू से गोदकर हत्या किया है। जांच के उपरांत ये पता चला कि महिला शादीशुदा है और उनके पति जो है लेबर के काम करते हैं और बाहर काम के सिलसिले में चले जाते हैं। इसी दौरान उसी गांव के किसी अन्य व्यक्ति से उनके संबंध हो जा रहा है। बाद में महिला उन संबंधों से अलग हटना चाहे तो उसी गुस्से में कुन्नस में उन्होंने जाके हत्या किया। हत्या आरोपी गिरफ्तार हो गया। आला कतल चाकू भी बरामद हो गया।